जनता बोल रहे हरा देंगे। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में बस्तर टॉकीज की ये जो बोट यात्रा है, आज हम पहुंचे हुए हैं छत्तीसगढ़ के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 85 जो कि बस्तर के नाम से जाना जाता है। और मैं आपको बताऊं कि बस्तर के जो पूरी 12 विधानसभा सीटें हैं उसमें अब तक मुझे जो नज़र आ रहा है कि हालांकि बाकी के लोग हो सकता मुझे गलत ठहराते हैं, लेकिन मुझे अब तक सबसे कांग्रेस की मजबूत सीट अगर कहीं दिख रही है तो बस्तर दिख रही है। उसी बस्तर विधानसभा सीट पर बैठा हुआ हूँ। आज साप्ताहिक बाज़ार है और साप्ताहिक बाज़ार मेरे लिए सबसे अच्छा केंद्र होता है कि मैं आसपास के तमाम लोगों से बातचीत करके कुछ एक निष्कर्ष पर निकलने का या कुछ निष्कर्ष निकालने का नतीजा ढूंढ सकूं। तो बस्तर विधानसभा के इस महत्वपूर्ण बाज़ार में पहुंचा हूं। बस्तर ये गांव है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक बस्तर में कई बस्तर बसते हैं, बस्तर संभाग, बस्तर जिला, बस्तर विधानसभा और ये बस्तर गाँव। तो जब आप बस्तर बोलते हैं तो ऐसे कई बस्तर होते हैं। तो यहाँ पे हूँ, नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दादा बैठे हैं, दादा बीजेपी के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं ना दादा? सत्तर ईस्वी से मैं जनसंघ के बाद बीजेपी हुआ है। हाँ, मैं 70 ईस्वी से यहाँ राजनीति में सक्रिय हूँ और जनसंघ से जुड़े हुए। जनसंघ से मैं जुड़े हुए दादा, मुझे ऐसा लग रहा था अभी तक जो 12 सीट है बस्तर की उसमें मैं मान रहा हूँ कि लखेश्वर बघेल सबसे मजबूत सीट के दावेदार यहाँ पे दिख रहे थे, आपको क्या लगता है? लेकिन आपके पास बैठा तो आप बताएं कि नहीं, लड़ाई इतनी आसान भी नहीं है। देखिए, विधानसभा का चुनाव है, आम जनता जो है पहले के आम जनता अब नहीं रह गए। संचार माध्यम इतना विकसित हो चुका है जी, जो उसके रात दिन लोग संपर्क में रहते हैं और सब एक से एक योजना जो जितने केंद्र सरकार या राज्य सरकार क्या कर रही है वो सब का उनके पास के में दिमाग में भरा हुआ है। अब यहाँ पर 5 साल लगभग होने जा रहा है कांग्रेस की सरकार है, भूपेश मुख्यमंत्री जी है, लेकिन इन्होंने जो इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है राहुल गांधी जी और भूपेश बघेल जी हाथ में गंगा जल ले करके 36 वादा किए थे छत्तीसगढ़ के लिए। जो मैं यहाँ कांग्रेस के सरकार बनेगी तो मैं ये 36 वादा कर रहा हूँ जिसको पूरा करूँगा। तो उसमें दो चार को मैं बता देता हूँ जो मेन इन लोगों के संबंधित है। अब इन्होंने बोला जो हम किसानी कर्जा माफ़ करेंगे, किसानी कर्जा अल्पकालीन जो थोड़ा बहुत खाद बीज लोग 4-5 महीना के लिए लेते हैं और उसको पटा देते हैं उसको इन्होंने माफ़ किया, किसानी कर्जा इन्होंने माफ़ नहीं किया। किसानी कर्जा क्या मतलब? किसानी कर्जा ट्रैक्टर भी आता है, ड्रिप भी लगाने का है, बोरिंग जो खेत में खोदते हैं उसका भी है, आपका जो है सो गाय पालन भी है किसानी कर्जा में। तो कहने का मतलब ये सब का इन्होंने माफ़ नहीं किया, अल्पकालीन थोड़ा सा जो कर्ज है उसको माफ़ किया। अब जैसे प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी आवास योजना का पक्का मकान गरीबों का बने उसका जो है पैसा आया यहाँ, भारतीय जनता पार्टी ये 5 साल के पहले भारतीय जनता पार्टी के सरकार रही यहाँ तब तक जो मिलने का वो मिला। इसके बाद जब से ये कांग्रेस सरकार आई है प्रधानमंत्री योजना का जो आवास योजना का पैसा है इन्होंने नहीं किसी को दिया ना किसी को ये किया, वो पैसा लैप्स हो गया वापस चला गया। इसी प्रकार हमारे माँ बहन को इज्जत को देखते हुए मोदी जी ने फ्री में शौचालय का पूरे भारत में बनवाए, यहाँ पर भी बनवाए, 5 साल के पहले हमारे सरकार रही बनाए, इसके बाद जो बाकी है उसको इन्होंने नहीं बनाया, जो पैसा भी वापस चला गया। इसी प्रकार हमारे मोदी जी जो ना हर साल किसी चीज़ के एवज में नहीं देते हैं, 6,000 हर साल एक एक किसान के खाता में पैसा भेजते हैं। पहले इनके सरकार जो रही किसान को पैसा दिया जाता था सरकारी कर्मचारी अधिकारी के माध्यम से, उसको उन्होंने बंद किया पूरे भारत में। जो कोई भी हितग्राही हो, किसी प्रकार का हितग्राही हो, डायरेक्ट उसके खाता में हम ट्रांसफ़र करेंगे, कोई बिचौलिया नहीं रहेगा, नहीं तो उनको कमीशन देते देते वो पैसा थोड़ा भी नहीं रह जाता था। इसको भी इन्होंने बंद
बंद किया। आयुष्मान कार्ड जो लोगों को, गरीब लोगों को जो गंभीर बीमारी होता है उसको ये इलाज नहीं करवा पाते थे, मर जाते थे अकाल मौत, उसको फायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने आयुष्मान कार्ड का योजना निकाला। 5 लाख तक कोई भी टीबी हो, चाहे कैंसर हो, चाहे किडनी से संबंधित हो, उसका इलाज हो सकता है। लेकिन ये भी यहाँ पर लागू नहीं किए और न बनाए, किसी को अधूरा रह गया। तो कुल मिला करके ये, क्योंकि केंद्र सरकार का योजना का हम काम यहाँ करेंगे तो केंद्र सरकार का मोदी जी का नाम होगा, इसलिए इन्होंने इसके योजना का पहले चाय पी लीजिए। हाँ हाँ बताते रहिए। हाँ मैं तो आप ले लीजिए। ये ऐसे फेल करने के ये में है, इनको कैरम बोर्ड, फुटबॉल और कबड्डी, गिल्ली डंडा खेलने से हमारे मुख्यमंत्री को फुर्सत नहीं है। वो हमारे शाहजी तो खेलना ठीक था कि नहीं ठीक था? ये खेलना क्या, इनके पास और कोई काम, जनता का हित के काम करने का इनके पास समय नहीं है क्या? केवल ये कबड्डी अच्छी और गिल्ली डंडा खेलने का चूतिया बना रहे पब्लिक को। ये अच्छा, सब दादा ये बोल रहा था कि ये जो आप शौचालय वाला बात बोल रहे थे, तो जहाँ शौचालय बना भी है मैं देखता हूँ कि उसको भी यहाँ बस्तर अंचल में लोग यूज बहुत कम करते हैं, ज्यादा नहीं करते हैं। नहीं, बहुत लोग करते हैं। मतलब मैं तो मानूंगा कि मेरे ख्याल से जितना शौचालय उसका 10% लोग यूज करते हैं, 90% तो यूज ही नहीं कर रहे, कहीं तो मुर्गा पाल रहे हैं, कहीं लकड़ी डाल के रख दिए हैं, तो ये भी है क्यों दादा? कुछ नहीं, देखिए अब शासन अब दवाई जो है सो हमारे बीमारी के लिए दवाई बनाया जाता है, लेकिन आजकल सुनने में आया पेपर में और समाचार में, मैं आप ही लोग के माध्यम से नशे के लिए टीवी वगैरह में आते रहता है, लोग नशा के लिए करते हैं। तो कुछ लोग करते हैं, सब नहीं करते हैं, कुछ इस टाइप के लोग हैं जो ना समझ हैं, वो अपना जिंदगी खतरे में डाल करके ये गलत यूज करते हैं। नहीं नहीं, शौचालय वाले बात बोल रहा था। नहीं नहीं, शौचालय का भी वैसा ही है, जो जिनके पास में घर में बाड़ी उड़ी खूब अच्छा है, झाड़ झरोखा अच्छा है, ज़्यादा जमीन है, वो लोग हो सकता है शौचालय में कुछ और काम करते हों तो उसको यूज नहीं करते हों। अच्छा, ऐसा है। एक चीज़ ये भी है कि कई बार ऐसा होता है कि सरकार की छवि जरूरी नहीं है, स्थानीय विधायक की छवि भी बहुत महत्वपूर्ण होती है हराने और जिताने में। लखेश्वर बघेल की छवि को आप कैसे देखते हैं? मतलब मेरे को तो लगा कि ठीक ठाक है उनकी छवि। लखेश्वर बघेल जी जो हैं व्यक्तिगत बहुत ही अच्छे आदमी हैं, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन उनके जो कार्यकर्ता बिचौलिए जो भीड़े हैं उनके आगे पीछे वो इनको बदनाम करके रख दिया है। और आम जनता को जो फायदा पहुंचना चाहिए, जो विधायक जी चाहते भी होंगे फायदा पहुंचाने, तो वो बिचौलिया लोग नहीं पहुंचाने दे रहे हैं, जिसका भुगतना इनको भुगतना पड़ेगा। अच्छा, तो मतलब आसान राह नहीं है लखेश्वर बघेल के लिए, जिसको मैं बहुत मजबूत सीट मान रहा था, है कि नहीं? ठीक है, तो दादा सॉरी मैं माफ़ी चाहूँगा, आपसे परिचय नहीं लिया, एक बार आप मैं दर्शकों को परिचय दे दें। मैं रामानंद मिश्र हूँ जी, मैं यहाँ 16 साल भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष रह चुका हूँ। अच्छा, उससे पहले मैं 2 कार्यकाल महामंत्री के पद पर रह चुका हूँ। मैं 70 ईस्वी से जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी का सफर तय किया हूँ, बीच में मिली जुली सरकार जनता पार्टी भी रही, वो सबको लेकर के अभी तक मैं इसमें हूँ, मरते दम तक मैं इस पार्टी में रहूँगा, इसका सिद्धांत है इसका। एक दूसरा नंबर क्या है, हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो कोई मुखिया बनता है प्रदेश का चाहे देश का, वो कोई बड़े आदमी नहीं बनता है, एक गरीब बनता है। ये चाय बेचने वाला, रोड पर चाय बेचने वाला आज हमारे भारत का प्रधानमंत्री है, जो विदेशी लोग हमारे भारत को आँख दिखाते थे, आज मोदी जी के नाम से थर्राते हैं। अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे चीन हो, चाहे जापान हो, या कोई भी देश हो, ऐसे देश के प्रधानमंत्री। और जैसे कि आज हमारे यूपी के मुख्यमंत्री देख लीजिए, योगी आदित्यनाथ जी, जो न बाल न बच्चा, वैसे ही मोदी जी का न बाल न बच्चा, अकेला इस टाइप के हैं वो, और आम जनता का, गरीबों के हित के काम कर रहे हैं। ठीक है दादा, वैसे ही मैं भी गरीब हूँ, एक रोड छाप आदमी। अरे नहीं, ठीक है, बहुत धन्यवाद दादा, बहुत धन्यवाद। तो दादा बहुत लंबा चौड़ा जो है पूरा भाजपा के बारे में बता दिए हैं। चाय? हाँ, अमित शाह जी यहाँ लगाइए।
अमित शाह जी बोले हैं जो बीजेपी के सरकार छत्तीसगढ़ में आएगी तो भूपेश बघेल जितने गलती काम किए हैं उनको उल्टा लटकाएंगे। हम यहाँ पर ऐलान करते हैं जितने कांग्रेसी यहाँ गलती काम किए सबको मैं उल्टा टांग करके और उल्टी करवा दूंगा। गजब है। हाँ भैया, विष्णु भैया, ये दो मिनट पकड़ लेंगे इसको, तो मैं थोड़ा सा हाँ लोगों से बातचीत कर लेते हैं। आकाश भाई आ जाओ थोड़ा सा, क्या है कि चाय पी लेते हैं, बाजार भी है, बातचीत करते हैं। क्या नाम है, इस बार वोट वोट दोगी कि नहीं? भागने लगी वो लड़की पहले। दादा छोड़ो, क्या नाम है? तू चो का नाम है? झाड़ू 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 झड़गू। कौन गाँव लिया झड़गू? डोगरा लोग कहीं चीन दिया सरकार देश का तो ये दिया सरकार। हमारे पूजनी तिवारी महाराज कैसे हैं? ठीक है, ठीक है, पता चला। जी 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 जी, प्रणाम जी। जरूर जरूर जरूर। तो दादा तो ऐसे वोट ने फिर कोचो कोच जोर रखा दे से को संजाले हो मोए तो नहीं जाने कौन है तुम कहे जो विधायक विधायक हो तो काज मणिराम हो से काय राम के मणिराम उबा होलो से काय हो काय तो नहीं एबे कौन आसे लखे सर वो कौन कौन आसे जल मणिराम के जाने से मणिराम के जान से हो कौन छाप छो है फूल छाप तो बोलो तो फूल छाप बोल सर हो और हाथ छाप कसन रलो विधायक को संजाले हो मणि सुन ले से आजी तो सुहांसस अच्छा आप तो नाम के नहीं सुन लीजिए नहीं सुन ले सो कौन आया ले तू बोल गजब कर ली दादा गजब नो आयो वोट दिख जावस की आंत जान तो जान वोट दिख जावस की नहीं जा तो रहा जन मंगलवार दिन बस जी मंगलवार दिन जा तो रहा ने हां तो ठीक है तो ये दीदी ये तो कहां जाई थी ए सुन सुन हां आपका क्या नाम है ए ढोल कैसे बात नहीं कर रहे हो दीदी भैया क्या नाम है आपका दशरथ दास क्या क्या खरीदे दशरथ भैया क्या भाजी डारा मन खरीद रहे हैं और क्या क्या मछली वछली भी दिख रहा है नहीं 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 भाजी डारा सस्ता है कि महंगा है नहीं सस्ता है सस्ता है गांव के बाजार में सस्ता रहता है घर कहाँ है दशरथ भैया है भोंड क्या लग रहा है इस बार माहौल चुनाव का क्या माहौल लग रहा है क्या बताए भैया फिर भी कुछ बताओ कांग्रेस की का लहर है कांग्रेस का है कांग्रेस का लहर है कांग्रेस का लहर है ठीक है लोग गांव के बाजार में बातचीत करना बड़ा मुश्किल इस बार वोट दोगे उम्र नहीं हुआ है तुम्हारा उम्र हुआ क्या उम्र वोट देने का हो गया सर हो गया इस बार वोट दोगे जी सर वोट दोगे इस बार जी क्या सोच के दोगे वोट कैसा विधायक चाहिए देश को सुधारने वाला है सर देश को सुधारने वाला से हम समाज के सुधारने तो अभी लखेश्वर दादा कैसे लगे विधायक देश समाज सुधारे कि नहीं सुधारे थोड़ा बहुत सुधारे सुधारे जी कौन कौन खड़ा हुआ है यहाँ से जी सर कौन कौन चुनाव लड़ रहा है नाम मालूम है कि नहीं लखेश्वर बघेल और लखेश्वर कश्यप उधर और अपने साइड वाले भी खड़े हुए हैं कौन अपने साइड मतलब भारत उधर भारत कौन से विधानसभा से हो उधर चित्रकूट चित्रकूट से हो तो उधर भारत खड़ा हुआ है ना तो उसी तरफ जाना है क्या अपने को है चित्रकूट का क्या हाल दिख रहा है इस बार किसका जोर ज़्यादा दिख रहा है हैं फूल छाप वाला सर फूल छाप ज़्यादा जोर दिख रहा है चित्रकूट में हैं प्रदेश अध्यक्ष हैं वहाँ से दीपक बैज इस बार थोड़ा सा क्या तुम भी चित्रकूट से आए हो नहीं हाँ मैं बेला डीला अच्छा भैया क्या नाम है कृष्णा गांव कहाँ से है कृष्णा भैया चिरई पदर चिरई पदर किसका माहौल दिख रहा है इस बार चुनाव में देखो अब कौन आता है क्या होता है तो कैसा रहा कार्यकाल लखेश्वर जी का ठीक है ना ठीक है कैसे रहे विधायक अच्छा साइलेंट कर देता हूँ बहुत बज रहा है जरूरी फोन तो नहीं आ गया गुड़िया पंकज भाई का फोन अपना लड़का जरूरी नहीं है नहीं बता देता हूँ पंकज भैया दो मिनट में लगाते हैं ठीक है तो कैसा क्या क्या ठीक रहा भैया लखेश्वर जी का कार्यकाल अपने गांव में आना जाना करते हैं आना जाना नहीं आना जाना तो खैर भी कर लखेश्वर चिड़ई पदर में कितनी बार आया गया है ठीक है अच्छा ऐसा कोई इलाका नहीं जो उनसे छूटा होगा छूटा होगा हर इलाके में घूमे जी हां लोगों से कनेक्ट भी रहे हमेशा लेकिन सरकार की योजना पहुंची है सब तक
अब देखो अब कैसे अभी क्या होता है। बीजेपी वाले दादा बैठे वो 22 तो कमी गिना दिए, बोले कि लखेश्वर जी तो अच्छे हैं लेकिन उनके कार्यकर्ता ठीक नहीं है बोल रहे थे। अब वो नाम अंदर खराब कर रहे हैं। अब अंदर का बात क्या जानेंगे भैया, मैं है कि नहीं। क्या करते हैं आप? मैं अब खेती बाड़ी करता हूँ। खेती बाड़ी जी। किसानों का राज कैसा रहा भूपेश सरकार में? किसान ठीक है। दो चीज होता है, बढ़िया था या खराब था। ठीक है मतलब ये बड़ा मेरे दो तीन दिन से मेरे मन में आ रहा है ये डरा हुआ समर्थन बहुत संदेह पैदा करता है। अब डरा हुआ बोलने से अब क्या है, अब तो सब तो अच्छा ही है ना। जो है अच्छा ही है। हाँ। कितना एकड़ है खेती? दो ढाई एकड़ है, ज्यादा नहीं। धान वान बेचते है कि नहीं? बेचते हैं। कोलचूर लेम से देते। अच्छा कोलचूर लेम। ठीक है दादा।